चंदोसी के एक निजी अस्पताल से रेफर होकर आई महिला की जांच उपरांत मालूम हुआ कि महिला को दिल की एक बहुत दुर्लभ बीमारी है जिसको लुटेन-बाचर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी में दिल की मांसपेशियों में पानी भर जाना है जिस कारण सांस फूलने की दिक्कत होती है, दिल के बल्ब का सिकुड़ना होना एवं जन्मजात दिल में छेद होने की दिक्कत रहती है। ये बीमारी दुनिया भर में बहुत कम पाई जाती है। एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर गीतेश मानिक ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि सबसे पहले इलाज के दौरान महिला के दिल की मांसपेशियों के पानी को पेरिकार्डियम सिंथेसिस के द्वारा निकाला गया। बैलून माइट्रल वॉल्वोट्रोमेकी एवं दिल के छेद को क्लोजर डिवाइस के द्वारा बंद कर दिया गया। ये प्रोसीजर बिना किसी चीड़फाड़ के किया गया। इस प्रोसीजर में लगभग 5 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन महिला की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो स्थिति को देखते हुए चंदोसी के एक निजी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने करीब 1.5 लाख रुपए की मदद की। बाकी का खर्चा एशियन हॉस्पिटल ने उठाया। बिल्कुल फ्री इलाज पर महिला की 3 बीमारियों का एक साथ सफल इलाज हुआ। आज के संबंध में प्रेस वार्ता बुलाई गई है। देखिए, बेसिकली ये एक पेशेंट के इलाज के संबंध में है जिसको एक्वायर्ड प्लस कंजनाइटल, दैट मींस बचपन से दिल में छेद प्लस आगे जीवन में इन्फेक्शन की वजह से दिल के एक बाल सिकुड़ने की शिकायत थी, जिसके कॉम्बिनेशन को ल्यूटेन-बाचर सिंड्रोम बोलते हैं। ये लाखों में होने वाली बीमारी है जिसको लाखों में किसी एक को होती है, किसी बदनसीब को, तो वो इस पेशेंट को थी। अब इसके उपचार के संबंध में बेसिकली प्रेस वार्ता बुलाई गई है कि इसका जो उपचार है सफलतापूर्वक एशियन विवेकानंद अस्पताल में किया गया है। कहाँ का पेशेंट था और क्या समस्या हुई थी उसको? पेशेंट चंदौसी का था। उसको बेसिकली सांस फूलने की समस्या थी जो कि काफ़ी सालों से थी, लेकिन कुछ 10-12 दिन से वो समस्या उसकी काफ़ी बढ़ गई थी और जिसका एवेल्यूशन वहाँ चंदौसी में विश्वकर्मा अस्पताल में डॉक्टर कमल द्वारा किया गया था। आगे बस उसको यही ध्यान रखना है कि खून बदले की दवा जो है, जो कि डिवाइस के लिए, वो खानी पड़ेगी और वैल्व के संबंधित कुछ 1-2 या 3 गोलियां होती हैं वो उसको लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ेंगी, जो कि ज़्यादा महंगी नहीं होती और मुझे लगता है कि उसका खर्च भी इतना नहीं होता जो कि पेशेंट अपनी तरफ से उठा सकते हैं। इस तरह की बीमारी के क्या सिम्टम है? सबसे पहला सिम्टम तो इनिशियली सांस फूलना होता है। दूसरा मेजर सिम्टम होता है कि पेशेंट जब चलते हैं तो काफ़ी थकावट महसूस करते हैं और जब ये अपना उग्र रूप धारण कर लेती है तो दिल के जो दाहिने तरफ के हिस्से हैं वो फैल जाते हैं और एट लास्ट पेशेंट का हार्ट एकदम डायलेट करने लगता है, जिसमें मृत्यु भी हो जाती है। तो सर, सर्जरी के दौरान आपने क्या देखा है? सर, जो इसमें आपने ठीक किया है, ये ऑपरेशन हुआ किस तरीके से आप किया? देखिए, ये पाँव की दबरी द्वारा किया जाता है। इसमें फीमोरल वेन के द्वारा सबसे पहले एक कैथेटर लिया गया जिससे वायर इम्प्लांट करी गई उसके लेफ्ट साइड के चैम्बर में। वहाँ से करीब 24 से 25 mm का एक बलून होता है जिसको वहाँ पर स्थापित किया गया और बलून को माइट्रल वाल्व के से क्रॉस किया गया जिससे इसको डायलेट करके चौड़ाया गया पहले वाल्व को। फिर वहीं उसी कैथेटर से सेकंड वायर छोड़ा गया, उससे एक बटन लिया गया ट्यूब के अंदर और वो जाके बटन फिर उसी छेद के अक्रॉस इम्प्लांट किया गया। अब फिलहाल जो स्थिति है मरीज की क्या है? मरीज काफ़ी बेहतर है, बिना ऑक्सीजन के है, आराम से अपने बेड पर बैठी हुई है। जब वो आई थी तो ऑलमोस्ट वेंटिलेटर पर पहुँच गई थी, 2 दिन वेंटिलेटर पर रही है और अभी ऑक्सीजन के बाद 24 घंटे हो चुके हैं। डिवाइस अपनी जगह फिट है, बिना ऑक्सीजन के है। आज को बेड पे बिठा दिया है, चलवा दिया है और एक आध दिन में संभवतः वो घर चली जाएगी। पेशेंट क्या एज होगी और लगभग कहाँ इसका इलाज संभव है? पेशेंट की एज लगभग 38-40 साल के आसपास है और बेसिकली देखिए, जो भी सेंटर्स कैथ लैब के होते हैं, एडवांस कार्डियोलॉजी जहाँ पे काम होता है, वहाँ इसका इलाज डेफिनेटली संभव होता है। तो ये पूर्णतः हमारे हॉस्पिटल में अभी अवेलेबल है, या इसके लिए आपको दिल्ली मूव करना पड़ता है, या तो किसी बड़े अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जाएंगे या फिर किसी कॉर्पोरेट में। बट सरकारी अस्पताल में इतनी जल्दी इनका नंबर नहीं लगता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंजनाइटल प्लस एक्वायर्ड हार्ट डिजीज़ होती है, इसमें मल्टीपल टीम और मल्टीपल डॉक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर, खर्चे की बात की जाए तो इसमें कितना खर्चा मरीज को पे? देखिए, अगर नॉर्मल पेशेंट की बात करें तो ये 3 प्रोसीजर का मिक्सचर है। इसमें पेरिकार्डियोसेंस से पानी भी निकाला गया, इसमें बटन भी लगाया गया, इसमें बलूनिंग भी की गई, तो लगभग सारी कॉस्ट जोड़ेंगे तो मोटा मोटा मांगे चलिएगा एक हॉस्पिटल 4.5 से 5 लाख का तकरीबन इसमें खर्च आता है। मरीज को फिलहाल कितना पे करना पड़ा है? क्या तो मरीज को सर्जरी का कुछ भी पे नहीं करना पड़ा है। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दवाई लाया होगा, बस उसका पेमेंट किया होगा उसने, क्योंकि उसके बाद फिर वो डिस्चार्ज मांग रहा था और स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम छुट्टी कर सकें। तो उस केस में जो करीब 1.5 लाख का अनुदान है वो विश्वकर्मा हॉस्पिटल डॉक्टर कमल द्वारा आया है,
और बाकी का हमारे हॉस्पिटल की तरफ से छूट दे दी गई है। क्या ये सर्जरी ऐसी पहली सर्जरी विवेकानंद हॉस्पिटल में? देखिए ये सिंड्रोम ही अपने आप में इतना रेयर है कि मैं आपको अपने 8 साल की बरोबर के प्रैक्टिस में बता रहा हूँ कि ये पहली बार ही मैंने खुद टैकल किया है। बलूनिंग हमने बहुत करी है, डिवाइस हमने खूब किए हैं, बट वो अलग अलग मरीजों में होते हैं। एक ही मरीजों में दोनों तीनों चीज़ें एक साथ करना ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ थी और ये पहली बार हुई। बहुत क्रिटिकल ऑपरेशन किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में और विवेकानंद हॉस्पिटल की इस उपलब्धि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो मैं बताऊं, मैं डॉक्टर कमल किशोर विश्वकर्मा हॉस्पिटल चंदोसी से हूं। मैं भी कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूं। ये पेशेंट हमारे पास ही आया था चंदोसी में। डॉक्टर साहब की भी चंदोसी विजिट रहती है मंथली, तो इस पेशेंट को देखा तो इसको आइडियली सांस फूलने की शिकायत थी, पैरों में सूजन थी और काफ़ी टाइम से परेशान थी। इसको डायग्नोसिस नहीं किया गया था अभी तक। जहाँ तक इस केस के मिलने की बात है, मैंने भी अपनी लाइफ में सिर्फ सुना ही था, देखा नहीं था। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे सामने केस आया, क्योंकि अलग अलग दो तीन चीज़ का कॉम्बिनेशन है इसमें, अगर हम अलग अलग लेके चलते हैं तो काफ़ी सारे पेशेंट हमको मिलते हैं ऐसे। लेकिन कम्बिनेशन में इसको लिटिल डार्कर सिंड्रोम कहा गया, इसमें ASD प्लस मेटल स्टेनोसिस दोनों चीज़ को एक ही साथ एक ही पेशेंट में मिलना अभी तक नहीं हो पाया था। तो ये अपने आप में एक नई चीज़ थी और पेशेंट इतने कैपेबल नहीं थे। तो फर्स्ट एड उनको दी गई, फर्स्ट एड देकर डॉक्टर साहब से बात की गई, उनको यहाँ मूव किया गया, उन्होंने उसको कन्फर्मेशन किया और प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि इसको इतनी कम एज में अगर इसको ये रहेगा तो वो उसके साथ में जिंदा नहीं बच पाएगी। डॉक्टर साहब, ये तो उस मरीज का सौभाग्य है कि आप जैसे लोग मिल गए, लेकिन जनरली अगर ऐसा टिपिकल कोई पेशेंट आए तो उसको कितने एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे? पर्टिकुलर यही पेशेंट मतलब इसी बीमारी के साथ में अगर कोई ऐसा कुछ क्रिटिकल पेशेंट आ गया तो उसका कितना खर्चा आ जाएगा? ये तो डॉक्टर साहब ने बताया करीबन 3.5-4 लाख के आसपास में करो।